वेलकम टू अनिरुद्धास क्रिएटिव लर्नर्स। आज हम पीएस टच में, अडोब फोटोशॉप टच में स्ट्रोक, फिल और नॉइज़ ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले फोटोशॉप टच ओपन करिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाइए 1080x1080, कोई भी एक डायमेंशन में बनाइए। अब यहाँ पे फिल, स्ट्रोक और नॉइज़ ये ऑप्शंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे ही उसे हम टैप करते हैं वैसे उसमें जो लास्ट टाइम यूज़ किया हुआ ऑप्शन था वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे फिल ऑप्शन मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था तो इमीडिएटली फिल ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे टैप करके हम चेंज कर सकते हैं, टाइप में फिल, स्ट्रोक, नॉइज़, क्लाउड्स, चार ऑप्शंस है। यहाँ पे फिल को आप हम टैप करते हैं तो फिल अप्लाई हो चुका है वाइट कलर। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है, आरजीबी को क्लिक करेंगे तो ये हमको मिलेगा। यहाँ से हम स्लाइडर स्लाइड करके फिल को चेंज कर सकते हैं। पहले हम फिल के बारे में देखते हैं। अब ये फिल अप्लाई हो चुका है पूरे बैकग्राउंड को। जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप करके फिल एंड स्ट्रोक को टाइप किया और टाइप में से हमने स्ट्रोक फिल को टैप किया तो यहाँ पे फिल अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं था इसलिए पूरे बैकग्राउंड को, पूरे आर्टबोर्ड को फिल कलर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ओके करते हैं। अभी हम कोई सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ से सर्कल सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ ब्लैंक सिलेक्शन करेंगे। अभी हम जो भी अप्लाई करेंगे इस ब्लैंक सिलेक्शन पे अप्लाई होगा जो सर्कल शेप में है। कौन से लेयर में है, फर्स्ट लेयर में ही है। ओके, ये सिलेक्शन है। अब हम इस पे यहाँ पे एंड पे क्लिक करिए, फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करिए, टाइप पे सेलेक्ट करिए। अभी यहाँ पे फिल पे अप्लाइड है और कलर सेम है इसलिए हमें चेंज समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल अप्लाई हो चुका है। यहाँ से फिल, ये फिल अप्लाई हो चुका है। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं वैसे ही यहाँ पे कलर चेंज होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रोक। अभी इसी सिलेक्शन में हम स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक इज़ द बॉर्डर, इसको एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से स्ट्रोक में जाइए, स्ट्रोक अभी एक्चुअली अप्लाई हो चुके है लेकिन सेम कलर की है इसलिए नहीं दिख रही है। यहाँ से हम टैप करेंगे, नाउ वी कैन सी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे टैप करिए विड्थ पे और अभी देखिए स्ट्रोक का साइज़ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे टैप करने के बाद हमको विड्थ का ऑप्शन मिलता है, 10 पिक्सल, 13 पिक्सल या 100 पिक्सल का साइज। इस तरीके से हम हमारे सिलेक्शन को स्ट्रोक दे सकते हैं। यहाँ से नॉइज़ का ऑप्शन है, हम नॉइज़ के लिए हम दूसरा लेयर लेंगे एक। यहाँ पे ओके करिए, सिलेक्शन ऑन रखा है, प्लस साइन, यहाँ पे प्लस, एम्प्टी लेयर, ओके। अब हमारा सिलेक्शन सेलेक्टेड है लेकिन हम
इस पे नहीं है, इस पे है। तो हमारा सिलेक्शन के ऊपर जो भी हम अप्लाई करेंगे वो अभी इस लेयर में दिखेगा। यहाँ पे हम नॉइज़ को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नॉइज़ को क्लिक करते हैं तो ये नॉइज़ यहाँ पे बनता है। नॉइज़ का एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। नॉइज़ मतलब फाइन ग्रैन्यूल्स लाइक अपेरेंस टेक्सचर। ये टेक्सचर डाइल्यूट होते जाता है जब इसका पिक्सल हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे मीडियम टेक्सचर लेंगे। यहाँ पे है हमारा नॉइज़, क्योंकि हमने सिलेक्शन ऑन रखा था और अपर लेयर में हम थे, लोअर लेयर से हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए हमारा पूरा नॉइज़ इस लेयर में है। इसे बंद करके हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये नॉइज़ है। अब हम एक्चुअली इस नॉइज़ के अंदर कुछ नॉइज़ इरेज करेंगे, इसलिए हम फेड टूल का यूज़ करेंगे। फेड टूल के बारे में ऑलरेडी हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है। फेड टूल में अलग अलग ऑप्शंस है फेड के, ये हमने ऑप्शन अभी लिया है। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से रेडियल या लीनियर ऑप्शन ऐसा ले सकते हैं। फेड टूल के बारे में जो ट्यूटोरियल है उसे आप उसमें आप देख सकेंगे। एक्चुअली हम इसमें हमारा कुछ पार्ट नॉइज़ का इरेज कर रहे हैं ताकि नीचे का पार्ट दिखे। यहाँ पे टाइप्स में फिल हमने देखा, स्ट्रोक हमने देखा, नॉइज़ देखा। यहाँ पे क्लाउड्स का ऑप्शन है। क्लाउड्स का ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ क्लाउड्स का थोड़ा सा अपीयरेंस क्रिएट करता है। इसलिए क्लाउड्स का अपीयरेंस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अभी हम एक ड्राइंग इस आर्टबोर्ड में लेके आएंगे और उसे कलर करेंगे। पहले इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे टैप, एम्प्टी लेयर, ओके। यहाँ पर टैप करिए, यहाँ पर टैप करिए, डिलीट कर लीजिए। और इसे डीसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से डीसेलेक्ट करिए तो सिलेक्शन निकल जाएगा। अब हम नई इमेज इसमें लेंगे। इसके लिए प्लस साइन, प्लस फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी से एक ड्राइंग लेंगे जो मैंने स्केच मोबाइल ऐप में बनाया है। स्केच ऐप में किस तरीके से हम ड्राइंग बना सकते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कुछ हफ्तों पहले बनाया हुआ है, उसे देख लीजिए। ये स्केच ऐप में से फोल्डर से मैंने मेरा रिसेंटली बनाया हुआ ड्राइंग लिया है। ये ड्राइंग यहाँ पे ओके करिए। इस लेयर में ड्राइंग है, हमें इस ड्राइंग को कलर करना है। तो यहाँ से सिलेक्शन टूल से मैजिक वांड लीजिए। यहाँ पे जो कंटिन्यूस है इसे ऑफ करिए। फिर जिस एरिया में आपको कलर अप्लाई करना है उसे टैप करिए।
कंटिन्यूस को ऑफ़ करने की वजह से वाइट रंग हमने सेलेक्ट किया, तो पूरे पेज पे जहाँ पे वाइट कलर है उसे सेलेक्ट हो जाता है, और कंटिन्यूस को ऑन करने के बाद इतना ही एरिया कंटिन्यूस है जो कंटिन्यूटी में है वो सेलेक्ट होता है। अभी हमने कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम कलर अप्लाई करेंगे ड्रेस को। यहाँ से जाइए फिल एंड स्ट्रोक। लास्ट टाइम हमने जो इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो भी क्लाउड्स का था। हमें यहाँ पे फिल अप्लाई करना है, इसे बॉर्डर देना है, सॉरी फिल से हमें बॉर्डर नहीं, फिल से कलर मिलता है, स्ट्रोक से बॉर्डर मिलेगा। ये स्ट्रोक हमने अप्लाई किया है तो हम दे सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ओके करिए। अब यहाँ से जाइए फिल में, जाइए फिल में हम दूसरा लाइट कलर लेंगे। हमने ओके किया हुआ था इसके लिए वो स्ट्रोक यहाँ पे अभी भी है, कि अगर हम वहाँ पे ओके ना करते हुए हम फिल अप्लाई सेलेक्ट करते तो वो स्ट्रोक चला जाता। तो ये हम फिल अप्लाई कर चुके हैं, ये स्ट्रोक और फिल हमने देखा। नॉइज़ का हम लास्ट में देखेंगे। अभी हमें फेस और हैंड्स को सेम कलर अप्लाई करना है। बी क्विक सेलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, कंटिन्यूस ऑन है। अभी हम यहाँ से मोड को प्लस में करेंगे, मतलब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो ऐड होते जाएगा। पहले ये सेलेक्टेड एरिया जो सेलेक्शन है उसे डिसलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमने डिसलेक्ट किया है, अभी सेलेक्शन करते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है मतलब ऐड होते जाएगा। ये हमने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है जो सजेस्ट करते हैं कि ये सिलेक्शन ऑन है। अब हम फिल कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ से प्रीवियस कलर जो था वही अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें कोई बेटर कलर चाहिए। ये RGB है, यहाँ पे HSB है। यहाँ से हम ब्राइटनेस सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। ये RGB, यहाँ पे ओके करिए। अभी इतने एरियाज में कलर अप्लाई हो चुका है। अभी नेक और कान के लिए कलर अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले ये एरिया डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डीसेलेक्ट। अभी यहाँ पे टैप करिए, यहाँ पे टैप करिए, प्लस साइन है इसलिए सब ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे टैप करिए, क्विक सेलेक्शन टूल से हमने ये एरिया सेलेक्ट किए हैं। यहाँ से अभी फिल करेंगे, फिल कलर थोड़ा हमें डार्कनेस बढ़ाना है। तो उतने ही एरिया में डार्क कलर अप्लाई हो चुका है। अभी हम बालों को कलर करेंगे। इसे पहले डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, डीसेलेक्ट, यहाँ पे टैप करिए और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जो लास्ट टाइम यूज़ किया था वो दिख रहा है अभी। ये हमने ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डॉटेड लाइन बन चुका है जो कि स्ट्रोक के लिए है। डीसेलेक्ट करके हम देखेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है।
डी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हम टैप करेंगे। ये मैंने टॉलरेंस रिड्यूस किया है। पीएस टच में कभी कभी एरर आता है, जो पीएस टच प्रॉपर वर्क नहीं करता है। अब 20 का टॉलरेंस है। अभी हमने सिलेक्शन यूज़ किया है। स्ट्रोक में हम ब्लैक स्ट्रोक देंगे, जो वाइट लाइन है वो दिखनी बंद हो जाएगी। स्ट्रोक को सेलेक्ट करिए। अभी ब्राउन अप्लाई हो चुका है स्ट्रोक, लेकिन हमें ब्लैक चाहिए। यहाँ पे ब्लैक है। स्ट्रोक की विड्थ हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अभी हम बॉय बालों में नॉइज़ अप्लाई करके देखते हैं। प्लस साइन को क्लिक करिए। यहाँ पे प्लस एम्प्टी लेयर, डन। हम इस एम्प्टी लेयर में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, नॉइज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ से नॉइज़ को सेलेक्ट करिए। ये ब्लैक कलर सेलेक्टेड था, हम लाइटर शेड लेंगे ताकि हमें दिखे। ओके, अब हम देखेंगे कि नॉइज़ यहाँ पे है। इसे बंद करके चालू करके देख सकते हैं। इसमें हमें फेड टूल यूज़ करना है। ऐसे ही हम फेस में भी नॉइज़ अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने सेलेक्ट लेयर ये करना है। अभी ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है फेस का। फिर यहाँ से आइए, दूसरे लेयर पे आइए, यहाँ से एंड नॉइज़, नॉइज़ में हम थोड़ा डार्कर शेड, डिफरेंट शेड लिया है। अब हम इस शेड को ऐसे फेड टूल से इरेज करेंगे। फेड टूल अप्लाई करिए। जो ऊपर का जो नॉइज़ है वो इरेज होते जाएगा फेड टूल से। ये नीचे का कलर हम देख रहे हैं जो कि स्किन कलर है, और ऊपर का जो है वो रेडिश है। इस तरीके से हम नॉइज़ अप्लाई कर सकते हैं और हमारे ड्राइंग को और हमारे आर्ट को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग अनिरुद्धास क्रिएटिव लर्नर्स। हरिओम श्री राम अंबज्ञानाथ संवित। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।